नमस्कार, मैं पूनम तांगर, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जरूरी खबर के साथ। चंद्रयान 3 के आज चांद पर होगी लैंडिंग। शाम 6:04 पर लैंड करेगा चंद्रयान 3। शाम 5:45 पर लैंडिंग होगी शुरू। 4 चरणों में होगी चंद्रयान 3 की लैंडिंग प्रक्रिया। साउथ पोल पर होगी चंद्रयान 3 की लैंडिंग। चांद पर सॉफ्ट वाला चौथा देश बनेगा भारत। इसरो से वर्चुअली जुड़ेंगे पीएम मोदी और जोहान्सबर्ग से लैंडिंग देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी। आज पूरे देश की निगाहें चंद्रयान 3 पर टिकी हुई है। शाम 5:45 पर इसकी लैंडिंग शुरू हो जाएगी और ऐसे में सभी की निगाहें चंद्रयान 3 पर। 4 फेजों में चंद्रयान 3 की लैंडिंग प्रक्रिया होगी। ऐसे में एक के बाद एक 4 चरणों में चंद्रयान 3 चांद पर लैंड करेगा। साउथ पोल पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग होनी है और इसे लेकर पूरा देश दुआएं कर रहा है। 23 अगस्त को चंद्रयान 3 मिशन की लैंडिंग से पहले उत्तराखंड के ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन घाट पर भी हाथों में तिरंगा लेकर गंगा आरती की गई और आज पूरे देश की निगाहें चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग पर टिकी हुई है। चौथा देश आज भारत बन जाएगा। अगर चंद्रयान 3 की लैंडिंग आज होती है तो ऐसा करने वाला भारत चौथा देश बनेगा। इसरो से वर्चुअली जुड़ेंगे प्रधानमंत्री मोदी। शाम 5 बजे चंद्रयान 3 की लैंडिंग और ऐसे में सभी पूरे देश में दुआओं का दौर जारी है। सभी हवन पूजन कर रहे हैं। 6 बजे का इंतजार सभी को। चंद्रयान 3 की आज चांद पर लैंडिंग होनी है और ऐसे में पूरा देश दुआएं कर रहा है, पूजा अर्चना कर रहा है। तो आज की बड़ी खबर, आज भारत इतिहास रचने वाला है। शाम 6:45 पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग और आज ऐसे में भारत चौथा देश बन जाएगा जब चंद्रयान 3 चांद पर पहुंचेगा। देश ही नहीं, दुनिया भर की नजरें आज भारत के चंद्र मिशन की ओर है। काफी उत्साह भी देखा जा रहा है, साथ ही सफल लैंडिंग की मनोकामना की जा रही है। अमेरिका के वर्जीनिया के एक मंदिर में हवन किया जा रहा है। हवन करा रहे साई ए शर्मा का कहना है कि वो लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी से प्रार्थना कर रहे हैं, महागणपति हवन भी कर रहे हैं और उम्मीद है कि लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी के आशीर्वाद से मिशन सफल होगा। तस्वीर अमेरिका के वर्जीनिया से जहां सफल लैंडिंग की मनोकामना की जा रही है। देश में ही नहीं पूरे विदेश में भी अमेरिका में महागणपति हवन का आयोजन किया गया। अमेरिका के वर्जीनिया में गणपति के सामने यज्ञ और हवन पूजन किया गया क्योंकि आज भारत इतिहास रचने वाला है। चंद्रयान 3 आज चंद्रमा पर पहुंचेगा और पूरे देश की निगाहें इस पर टिकी हुई। आज उत्तर प्रदेश में सभी स्कूलों को भी खोला जाएगा। स्कूल के बच्चे पहुंचेंगे और लाइव नजारा, लाइव प्रसारण चंद्रयान 3 का आज देखेंगे। आज भारत ऐसा चौथा देश बनेगा जब चांद पर चंद्रयान 3 पहुंचेगा। तो ऐसे में सभी की निगाहें और सभी पूजा अर्चना कर रहे हैं। देशों में ही नहीं विदेशों में भी पूजा की जा रही है। इसी बीच एक बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। यूपी में आज शाम 1 घंटे के लिए खुलेंगे स्कूल। चंद्रयान 3 मिशन को लेकर लिया गया फैसला। चंद्रयान की लैंडिंग के गवाह बनेंगे 4 लाख बच्चे। 3,000 स्कूलों में लाइव प्रसारण चलेगा। शाम 5:15 और 6:15 पर लाइव प्रसारण होगा। टीवी मोबाइल के माध्यम से बच्चे चांद का दीदार कर सकेंगे। ऐतिहासिक पलों को देखने के लिए हर कोई उत्साहित है। ऐसे में बच्चे भी पूरी तरह से उत्सुक है और ऐसे में लाइव प्रसारण चंद्रयान 3 की लैंडिंग का दिखाया जाएगा। प्रशासन की ओर से निर्देश दे दिया गया है, स्कूल खोले जाएंगे और बच्चे चांद का दीदार कर सकेंगे। यूपी में आज चंद्रयान 3 मिशन को लेकर यह फैसला लिया गया है। तो बड़ा अपडेट, चंद्रयान की लैंडिंग के गवाह बनेंगे 4 लाख बच्चे। 3,000 स्कूलों में लाइव प्रसारण चलेगा। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़ गए। सिद्धार्थ, आज भारत इतिहास रचने वाला है और इसका दीदार बच्चे करते हुए नजर आएंगे उत्तर प्रदेश में। जी बिल्कुल, चंद्रयान 3 मिशन को लेकर उत्तर प्रदेश में भी एक अलग ही उत्साह दिख रहा है। तो आज कहीं ना कहीं जिस तरीके से स्कूल खोले जाएंगे 5:15 से लेकर 6:15 तक, तो ये काफी महत्वपूर्ण होगा और जिससे बच्चों को लेकर भी इसमें काफी उत्साह दिख रहा है और कहीं ना कहीं बच्चे भी इसमें काफी चीजें जानेंगे। और जो स्कूल खोलने से जो लेटर जारी किए गए थे वो महानिदेशक स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से और राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय की तरफ से एक लेटर जारी किया गया था। इसमें लिखा गया था कि 23 अगस्त के शाम को 1 घंटे के लिए स्कूल और शिक्षा संस्थान सभी बच्चों को लाइव प्रसारण दिखाने के लिए कहा गया था। इससे सबसे महत्वपूर्ण इसलिए इसको स्कूल खोला गया है जिससे उनके मन में देश के प्रति गर्व और एकता की गहरी भावना पैदा हो
बच्चों को भी ये भी जानकारी हो कि किस तरीके से उनका देश आगे बढ़ रहा है। साइंटिफिक जो साइंस में उसमें भी हम काफी आगे जा चुके हैं और इससे एक ओत प्रोत इससे देशभक्ति की भावना आएगी और ओत प्रोत होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सिद्धार्थ, यूपी में स्कूलों के साथ साथ मदरसों में भी दिखाया जाएगा इसका लाइव प्रसारण, इसके लिए क्या कुछ तैयारियां प्रशासन की ओर से की गई है? देखिए प्रशासन की ओर से ये तैयारी की सब जगह बस यूट्यूब के माध्यम से ये चीजें दिखाई, बड़ी स्क्रीन लगाने के लिए कहा गया है जिसमें बच्चे देखें और मदरसों में भी इसकी व्यवस्था की गई। माध्यमिक शिक्षा में भी माध्यमिक के जो स्कूल हैं इंटर तक के उसमें भी काफी उसमें भी बच्चे दिखाए बच्चों को दिखाया जाएगा। प्राइवेट स्कूल है वो भी तो काफी उत्साह दिख रहा है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि इतनी उत्साह के साथ बच्चे खुद कल जब हमने कई बच्चों से बात की तो उनके मन में एक अलग उत्साह देखने को मिला। सरकार का एक अच्छा निर्णय है। हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी बीच खबरों में आगे बढ़ेंगे। भारत के मून मिशन चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम आज शाम 6:04 पर चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करेगा, फिर रैंप खुलेगा और प्रज्ञान रोवर इससे चांद की सतह पर आएगा। विक्रम लैंडर प्रज्ञान की फोटो खींचेगा और प्रज्ञान विक्रम की। इन फोटोज को पृथ्वी पर सेंड किया जाएगा। अगर भारत अपने इस मिशन में सफल रहा तो वह ऐसा करने वाला पहला देश होगा। इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ ने 9 अगस्त को विक्रम की लैंडिंग को लेकर कहा था, अगर सब कुछ फेल हो जाता है, अगर सभी सेंसर फेल हो जाते हैं, कुछ भी काम नहीं करता है, फिर भी विक्रम लैंडिंग करेगा, बशर्ते एल्गोरिथम ठीक से काम करे। हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि अगर इस बार विक्रम के 2 इंजन काम नहीं करेंगे तब भी ये लैंडिंग में सक्षम होगा। तो चंद्रयान 3 के लिए आज इतिहास बनाने का मौका है। पूरे देश की नजर आज चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग पर है। इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं ये देखने हमारी संवाददाता निशि भाटिया प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड सोसाइटी पहुंची। रिपोर्ट देखिए। नमस्कार, मैं निशी भाटिया और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। आज न्यूज वॉच इंडिया की टीम मौजूद है नेहरू प्लैनेटोरियम में और यहाँ पर आने का मकसद यही है कि चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर जो यहाँ पर माहौल बना हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेटिंग है और इसी के साथ एक्साइटेड माहौल है और इसी को लेकर हमारा यहाँ पर आने का यही मकसद है कि यहाँ पर मैं आपको नेहरू प्लैनेटोरियम में कुछ तैयारियों को लेकर भी बताऊँ और इसी के साथ यहाँ पर प्रोग्रामिंग मैनेजर प्रेरणा चंद्रा जी से मुलाकात करके आपको बताऊँगी कि यहाँ पर क्या कुछ तैयारियाँ चल रही हैं और इसरो की तरफ से फिलहाल क्या कुछ अपडेट आ रही है। और आपको बता दें कि लगातार लैंडिंग को लेकर जो भी अपडेट्स आ रही हैं इसरो के कंट्रोल रूम से वो पॉजिटिव रिव्यू आ रहा है कि सब कुछ सही तरीके से चल रहा है। जहां पर चंद्रयान 3 को लैंड करना था वहां वो बिल्कुल अपने तरीके से चल रहा है, जिस तरीके से डायरेक्शंस दिए जा रहे हैं उसके तहत ही सब कुछ काम किया जा रहा है और इसको सुनकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और एज एन इंडियन सबको बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है कि हाँ अब कुछ चंद घंटों का ही सफ़र बचा है जब हम लोग चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले हैं। तो इसी के साथ आज मैं आपको एक क्विक रिव्यू दिखा देती हूँ नेहरू प्लैनेटोरियम का कि यहाँ पर आखिरकार एक्साइटेड माहौल किस तरीके से दिख रहा है और यहाँ पर क्या कुछ देखने को मिलता है। तो इसी के साथ यहाँ पर कुछ चीज़ों को डिस्क्राइब किया हुआ है जहाँ पर टेलीस्कोप से लेकर लाइट टेल स्टोरी से लेकर और जर्नी विद लाइट से लेकर मतलब जितनी भी एस्ट्रोनॉमी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं उसको लेकर डिस्क्राइब यहाँ पर किया गया है और इसको बनाने का मोटिव भी यही था म्यूजियम का कि यहाँ पर एस्ट्रोनॉमी एजुकेशन दी जाए। तो यहाँ पर बच्चों को भी एक एजुकेशनल ट्रिप के तौर पर भी लाया जाता है जहाँ पर एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड जितनी भी एजुकेशन होती हैं उसको ग्रैप कर पाएँ और उसके बाद यहाँ पर कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं, कुछ हिस्टोरिकल एविडेंसेस भी हैं जिसके तहत यहाँ पर लोगों को अवेयर किया जाता है, एजुकेट किया जाता है। और इसी के साथ यहाँ पर अभी हाल फिलहाल चंद्रयान 3 को लेकर भी काफ़ी सारे प्रोग्राम्स का आयोजन किया जा रहा है और कल जिस तरीके से सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर तैयारियाँ चल रही हैं उसके बाद ये और भी ज़्यादा एक्साइटेड लेवल पर आ जाता है कि यहाँ पर अब प्रिपरेशन चल रही हैं और यहाँ के जितने भी प्रोग्रामिंग मैनेजर्स हैं वो सब चंद्रयान 3 को लेकर काफ़ी फोकस्ड नज़र आ रहे हैं। और इसी के तहत हम लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं यहाँ पर आपको कुछ माहौल दिखाने के लिए। यहाँ पर कुछ यूनिवर्स से रिलेटेड भी हैं, यहाँ पर मेगा स्टार से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, यूनिवर्स में 2 मिलियन स्टार को लेकर भी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है और इसी के साथ जितना भी हो पाएगा वो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा। तो आप लोग अगर एजुकेशनल ट्रिप का प्लान करें तो यहाँ पर मस्ट विजिट करें।
और इसी के साथ कुछ चीज़ें और भी मैं आपको अभी तस्वीरों के माध्यम से दिखाऊंगी कि यहाँ पर क्या कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है चंद्रयान तीन को लेकर, उसको डिस्क्राइब करके भी मैं आपको बताऊंगी। फिर उसके बाद प्रोग्रामिंग मैनेजर प्रेरणा चंद्रा जी से भी मुलाकात करके आपको बताऊंगी कि आखिरकार इसरो की तरफ से क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है। तो आज इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ प्रेरणा चंद्रा जी हैं जो कि यहाँ की प्रोग्रामिंग मैनेजर हैं। तो मैम, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये होल प्रोसेस है क्या चंद्रयान थ्री का लैंडिंग? जी, लैंडिंग की अगर बात करें तो अब एक दिन और कुछ घंटों का ही सफ़र रह गया है, जो विक्रम लैंडर जो है अब चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने का प्रयास करेगा। 6:04 का समय जो है इसरो ने निर्धारित किया है, जिस समय ये प्रोसीजर ये उतरने का प्रयास जो है वो किया जाएगा। प्रोसेस आप क्या एक्सप्लेन कर सकती हैं कि किस तरीके से ये लैंड करेगा? जी बिल्कुल, चंद्रयान तीन की अगर बात करें तो चंद्रयान तीन के तीन मेजर कॉम्पोनेंट्स थे, प्रोपल्शन मॉड्यूल, विक्रम लैंडर, प्रज्ञान द रोवर। प्रोपल्शन मॉड्यूल जो कि एक कैरियर था और इस पूरे मिशन को मून की आखिरी कक्षा तक सफलता से लेके आया। प्रोपल्शन मॉड्यूल सक्सेसफुली इस क्राफ्ट से अब सेपरेट हो गया है और सतह की बाहरी कक्षा से इस सतह की मैपिंग कर रहा है। जिस तरीके की एनालिसिस हमारा प्रोपल्शन मॉड्यूल कर रहा है वो स्पेक्ट्रोग्राफी कहलाती है। इंटेलिजेंट लाइफ किस तरीके के सिग्नल भेजती है, मतलब मून से अर्थ की स्टडी जो है हमारा प्रोपल्शन मॉड्यूल जो कि करेगा। उसके आगे अगर हम बात करें विक्रम लैंडर, क्योंकि आगे की सफ़र जो है वो अब विक्रम लैंडर पूरा करेगा और लगभग 25 किलोमीटर का जो दायरा है वो अब हमारा रह गया है, मिनिमम 25 से 134 किलोमीटर का दायरा अब रह गया है, जिसे पार कर विक्रम जो है कल 6:04 पर सॉफ्टली लैंड करके पूरा करेगा। इसरो ने 23 तारीख उसको ही क्यों चुना है सॉफ्ट लैंडिंग के लिए, इसके पीछे कोई खास वजह है? जी बिल्कुल, पूरी कैलकुलेशन के तहत इस तरह के मिशंस जो हैं वो प्लान करे जाते हैं और इसरो अपने मिशंस की प्लानिंग के लिए बहुत ही फेमस है। मतलब हम जिस तरीके का मैकेनिज्म यूज़ करते हैं वो नेचुरल है, ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है, बट बहुत प्रिसाइज कैलकुलेशंस को की मेहनत इसमें इन्वॉल्व रहती है। तो 23 तारीख का जो समय है उस समय चंद्रमा प्रकाश रहेगा, क्योंकि चंद्रमा पर 14 दिन उजाला और 14 दिन अंधेरा रहता है और 23 तारीख को वहां पर उजाला होगा। तो सूर्य का प्रकाश जो है हमारे सौर पैनलों के लिए बहुत ही आवश्यक है और वो सौर पैनलों को 14 दिन कार्य करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो 23 तारीख के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। जिस तरीके से हम कारनाम देख पा रहे हैं कि लगातार टाइम अब कम होता जा रहा है और चंद्रयान तीन की लैंडिंग को लेकर अब सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, तो इसको लेकर इसरो का जो कंट्रोल रूम है उसमें किस तरीके से टेंशन का माहौल बना हुआ है, इसको कैसे डील किया जा रहा है? जी बिल्कुल, ये अब अंतिम क्षण जो है ये इसरो के लिए बहुत ही क्रूशियल और क्रिटिकल है, क्योंकि आगे की जो भी प्रोसीजर्स जो होंगे उस पर इसरो कंट्रोल नहीं कर पाएगा, ये सारा ऑटोमेशन पायलट पे चला जाएगा और अब विक्रम ही डिसाइड करेगा। इस मिशन को इस तरह से प्रोग्राम्ड किया गया है कि आगे के सारे मिशन जो है हमारे पास संपर्क जरूर आएगा लेकिन हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, कम्युनिकेशन आएगा पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अब सारी चीज़ों का एक दूसरे के साथ एल्गोरिदम बनना, एक दूसरे के साथ कनेक्शन स्थापित करना के साथ साथ उस जगह की सुनिश्चित करना कि वो सेफ है, सेफ लैंडिंग के लिहाज से, कि सारी बातों का संज्ञान हमारा विक्रम लैंडर करेगा और तभी ये निर्धारित करेगा कि कल 23 तारीख का दिन 6:04 उतरने के लिए उपयुक्त है कि नहीं। बिल्कुल, और सफलतापूर्वक अगर लैंडिंग हो जाती है तो उसके बाद भारत की नज़र में चंद्रयान तीन और इसरो की क्या कुछ अहमियत होगी, यह मिशन क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है इंडिया के लिए भी और वर्ल्ड वाइड? जी बिल्कुल, बहुत बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है ये भारत का, क्योंकि हम चंद्रयान दो पे कुछ क्षण पहले ही विफल हो गए थे। अगर चंद्रयान दो सफल हो जाता तो शायद चंद्रयान तीन जो है मैन को ले जाने वाला मिशन होता, मतलब चंद्रयान तीन में हम ह्यूमंस को एक बार फिर चंद्रमा की सतह पर उतारते। परंतु अब चंद्रयान तीन में जिस तरीके के आंकड़े हम लोग कलेक्ट करेंगे, जिसपे सॉइल की मिनरोग्राफी है, एटमॉस्फेयर है, सीसमिक कंडीशन है, साथ ही साथ चंद्रमा से अर्थ की स्टडी जैसा डाटा इस मिशन के माध्यम से हम लोग कलेक्ट करेंगे और आगे आने वाले आउटर स्पेस मिशन्स में जिसका प्रयोग किया जाए।
और इसी के साथ देश भर में हवन चल रहे हैं, पूजा अर्चना चल रही है कि चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग बहुत अच्छे तरीके से हो जाए, तो क्या इससे कुछ मदद मिलेगी सफलतापूर्वक लैंड? जी बिल्कुल, सबका अपना अपना बिलीफ है और ये बिलीफ ही भारत को यूनिक बनाता है। हर लिहाजे से हर धर्म मजहब के लोग इस बात को सराहा रहे हैं कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है भारत के लिए। तो सभी भारतीयों की दुआएं डेफिनेटली है और इसरो की मेहनत है, उस पर सभी का विश्वास है कि इस बार हम करके दिखाएंगे जिस तरीके से मिशन। तो वही देश में सनातन धर्म के दो बड़े चेहरे देवकी नंदन ठाकुर और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जब भी एक साथ मंच साझा करते हैं तो देश को एक बड़ा संदेश दिया जाता है, देश बड़ा संकल्प लेता है। अब दोनों एक साथ एक प्रण लिया है देश के लिए, सनातन के लिए, और साथ ही देश के ऐतिहासिक भूलें जिनको सुधारने के लिए दोनों चल पड़े हैं। रिपोर्ट देखिए। हमारा हाथ बड़े भैया ने और ठाकुर जी ने साधा, हमारे भैया ने कहा, छोटे अनुज ने कहा प्यारे, और हम दोनों भाई थे हैं और जब तक प्राण रहेंगे सो रहेंगे। अब भाई अब किसी को दिक्कत हो तो हाजमोला खा ले। केवल एक ही ललकार एक ही पुकार, राम राज्य की स्थापना हो, भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो, हमें मंदिरों में भीड़ सड़कों पर तूफान चाहिए, राम राज्य से भरा हमें केवल हिंदुस्तान चाहिए। यदा यदा ही धर्मस्य गला निर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजम्यः। अर्थात भगवान कृष्ण कहते हैं, हे भारत, जब जब धर्म की हानि होने लगती है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब मैं स्वयं की रचना करता हूँ, अर्थात जन्म लेता हूँ। मानव की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए मैं अलग अलग युगों में अवतरित होता हूँ। कि औरंगजेब ने 1670 में जब मथुरा का कृष्ण भूमि मंदिर तोड़ा था, उसने उस मंदिर को तोड़ने के बाद क्रूरता ये करी कि वहाँ के केशव देव जी की मूर्तियों को लाकर आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में गाड़ दिया। आज तक वही है और ये मुस्लिम इतिहासकारों ने लिखा है, माजरे आलमगिरी किताब में लिखा है, हम अपने आप नहीं कह रहे, और उस किताब में स्पष्ट प्रमाण है, और भी कई लोगों ने किताब लिखी है जिसमें ये प्रमाण मिलता है। ये देश भारत है जिस देश के मस्तक को हिमालय चूमकर सुशोभित करता हो, समुद्र की लहरें जिसके चरणों को छूती हो, ये वो भारत देश है जिस देश की धरा को राम ने जन्म लेकर पावन किया हो, जिस देश की धरती पर कृष्ण ने जीवन का सार बताया हो। लेकिन सोचिए कि कितना दुखद हो जाता है जब इसी देश में राम और कृष्ण के मंदिर के लिए लड़ाई लड़ना भी कठिन हो जाता हो। पूरे विश्व में अब जो मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि है उसकी जय जयकार हो जाए और भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जावे। जब जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ता है, धर्म की हानि होती है, तब तब भगवान अवतार लेकर आते हैं, ये बात हम सबको मालूम है। पर जब तक कन्हैया को लेके नहीं आ जाएंगे तब तक चैन की नींद नहीं सोएंगे, आराम से नहीं बैठेंगे। भारत देश में सनातन धर्म के दो महान विभूति देवकी नंदन ठाकुर और बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जब जब एक मंच पर साथ आए, तब तब देश ने भीष्म प्रण लिया। विशाल संदेश देश को दिया गया, साथ ही देश को ये भी बता दिया कि अब दोनों भाई एक प्रण करके सनातन धर्म की डगर पर निकल चुके हैं, और वो प्रण है ऐतिहासिक भूल को सुधारने का और सनातन को उसका अधिकार दिलाने का। और हम दोनों भाई थे हैं और जब तक प्राण रहेंगे सो रहेंगे। एक तरफ देवकी नंदन ठाकुर जी जिनका उद्देश्य मथुरा में भगवान कृष्ण जन्मभूमि पर हमारे ईष्ट श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बने, आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को बाहर लाना और देश को हिंदू राष्ट्र बनाना, दूसरी तरफ बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का उद्देश्य भी राम राज्य की स्थापना और देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। केवल एक ही ललकार एक ही पुकार, राम राज्य की स्थापना हो, भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने यह भी साफ कर दिया कि वो जामा मस्जिद से भगवान कृष्ण की मूर्ति को लाना और मथुरा में श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनाने के लिए अपने बड़े भाई देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज के साथ कदम से कदम मिलाकर
ये लड़ाई लड़ेंगे। हमारे भैया ने कहा, छोटे अनुज ने कहा, प्यारे हनुमान जी के कृपा पात्र सन्यासी बाबा के परम कृपा पात्र श्री बागेश्वर धाम वाले महाराज जी ने कहा, ये लड़ाई मैं आपके कदम के कदम मिलाकर साथ में साथ रहकर इस लड़ाई को लड़ूंगा। भोपाल हो, वृंदावन हो, ग्रेटर नोएडा हो या कानपुर, देवकी नंदन ठाकुर और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने मंच साझा किया। दोनों ने अलग अलग स्थानों में भी अपने अपने कथा कार्यक्रमों में देश से आह्वान किया है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, और गुरु पूर्णिमा जैसे पावन अवसर पर देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज ने अपने शिष्यों से गुरु दक्षिणा भी मांगी। पर जब तक कन्हैया को लेके नहीं आ जाएंगे तब तक चैन की नींद नहीं सोएंगे, आराम से नहीं बैठेंगे। एकता का बीज अब हमको ही बोना है, साथ चल हमको अब एक होना है। निशा हमारे मिटाने की जिसने ये चेष्टा की, घड़ी अब आ गई हर्ष उसका होना क्या ये बताना है। साथ चल हमको अब एक होना है। पूरे देश से देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का ये आह्वान है, संपूर्ण भारतवर्ष को एक साथ आना होगा, क्योंकि ये लड़ाई किसी एक की नहीं, हम सब की है, पूरे देश की है। जिस दुर्दांत ने देश की वास्तविकता, देश की धरोहर के साथ छेड़छाड़ की, अब समय आ चुका है उसको उसकी वास्तविकता को दिखाने का, उसके निशा को मां स्वरूप देश के आंचल से मिटाने का, देश को वास्तविक स्वरूप देने का। वास्तविक स्वरूप अर्थात राम राज्य वाले भारत का, राम के देश का, कृष्ण के देश का। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। हमारा हाथ बड़े भैया ने और ठाकुर जी ने साधा। हमारे भैया ने कहा, छोटे अनुज ने कहा, प्यारे और हम दोनों भाई थे, हैं और जब तक प्राण रहेंगे सो रहेंगे। अब भाई अब किसी को दिक्कत हो तो हाजमोला खा ले। केवल एक ही ललकार, एक ही पुकार, राम राज्य की स्थापना हो, भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो, हमें मंदिरों में भीड़, सड़कों पर तूफान चाहिए, राम राज्य से भरा हमें केवल हिंदुस्तान चाहिए। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।